तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने सोढ़ी दिल्ली से हुए गुमशुदा, 6 दिन से लापता है गुरुचरण सिंह। 22 अप्रैल से नहीं मिला है एक्टर का कोई भी सुराग। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया किडनैपिंग का केस। जी हाँ, बीते 6 दिन से गायब है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नजर आए पुराने रोशन सिंह सोढ़ी, यानी कि एक्टर गुरुचरण सिंह। 22 अप्रैल की सुबह से गुरुचरण सिंह गायब है, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, गुरुचरण सिंह के बूढ़े माता पिता और परिवार की चिंता भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के रहने वाले गुरुचरण सिंह हाल ही में अपने माता पिता से मिलने दिल्ली आए थे, तो वहीं 22 अप्रैल को गुरुचरण सिंह को वापस मुंबई लौटना था। एक्टर के पिता के मुताबिक सोमवार 22 अप्रैल की सुबह सोढ़ी यानी कि गुरुचरण अपने घर से मुंबई जाने के लिए निकले थे। सुबह 8:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से उनकी मुंबई की फ्लाइट थी, लेकिन गुरुचरण सिंह ने ना तो फ्लाइट ली और ना ही वो मुंबई पहुंचे हैं। 22 तारीख के बाद से ही गुरुचरण की कोई खोज खबर नहीं मिली है। लंबे वक्त तक गुरुचरण से कोई कांटेक्ट नहीं होने के बाद 25 अप्रैल को गुरुचरण सिंह के पिता हरिजीत सिंह ने दिल्ली के पालम पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। गुरुचरण के मिसिंग केस में अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस ने एक्टर की किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया है और वो मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगी है, जिसमें गुरुचरण सिंह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर ही पुलिस ने किडनैपिंग का केस फाइल किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को एक्टर के फोन के कुछ ट्रांजेक्शन भी गड़बड़ लगे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया जा रहा है कि गुरुचरण सिंह दिल्ली एयरपोर्ट तो पहुंचे थे, लेकिन वो अंदर नहीं गए थे, बल्कि वह एयरपोर्ट के बाहर ही नजर आए थे। अब पुलिस गुरुचरण के फोन और मैसेजेस के रिकॉर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिससे पता चल सके कि लापता होने से पहले गुरुचरण सिंह ने आखिरी बार किससे बातचीत की थी। गुरुचरण के अचानक लापता हो जाने के बाद से उनके बूढ़े माता पिता बेटे को लेकर काफी चिंतित हैं। एक्टर का पूरा परिवार सदमे में है। गुरुचरण की गुमशुदगी के बारे में उनके पिता ने मीडिया से भी बात की। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही उनके बेटे को खोज निकालेंगे। ऐसे में वो बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि अभी गुरुचरण जहाँ भी हैं ठीक हों और सुरक्षित हों। एक्टर के एक करीबी दोस्त के मुताबिक गुरुचरण के साथ उनकी आखिरी बातचीत मैसेज के जरिए हुई थी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि वो फ्लाइट में बोर्डिंग प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक गुरुचरण ने उस दिन मुंबई जाने वाली फ्लाइट में बोर्ड ही नहीं किया था। अब हर कोई यही जानना चाहता है कि यूं अचानक गुरुचरण कहां गायब हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि 50 साल के गुरुचरण ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का रोल प्ले किया था। इस किरदार ने उन्हें घर घर में पॉपुलर कर दिया था। हालांकि साल 2020 में उन्होंने इस शो के साथ साथ एक्टिंग की दुनिया को भी अलविदा कह दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।